गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक प्रिंटर्स। जैसे प्रिंटर क्या है, पहले समझते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेता है और पेज पर उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड साइज का पेपर होता है। प्रिंटर सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर पेरिफेरल में से एक होता है और आमतौर पर टेस्ट या फोटो प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ले रहे हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर का इतिहास क्या है। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स बैबेज द्वारा उनके डिफरेंट इंजन के लिए डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर प्रिंटर एक मैकेनिकल ड्रिवन डिवाइस था। कैसा था? मैकेनिकली ड्रिवन डिवाइस था। हालांकि 2000 तक इसका मैकेनिकल प्रिंटर का डिजाइन नहीं बनाया गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर EP-101 था। कौन सा था? EP-101 था, जिसका आविष्कार जापानी कंपनी एप्सन द्वारा किया गया था। और कब किया गया? 1968 में जारी किया गया, 1968 में। पहला कमर्शियल प्रिंटर आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और टेलेटाइप मशीनों से मैकेनिज्म का उपयोग करते थे। हाई स्पीड की मांग ने विशेष रूप से कंप्यूटर उपयोग के लिए नए सिस्टम के डेवलप को जन्म दिया। 1980 के दशक में टाइपराइटर के स्थान डीजी व्हील सिस्टम थे, जिनका आउटपुट लाइन प्रिंटर के समान था, लेकिन बहुत अधिक स्पीड पर और डॉट मैट्रिक्स सिस्टम को, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को ये क्या करते हैं, मिस्टर कर सकते थे, मिश्रित कर सकते थे, लेकिन अपेक्षाकृत कम क्वालिटी आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे। प्लॉटर का उपयोग ब्लूटूथ प्रिंट जैसे हाई क्वालिटी लाइन आर्ट की आवश्यकता वाले लोगों में के लिए इसका किया गया। 1984 में पहला लो कॉस्ट प्रिंटर एचपी लेजर जेट लॉन्च हुआ। 1984 में पहला लो कॉस्ट प्रिंटर किसका था? एचपी का था, एचपी लेजर जेट लॉन्च हुआ है। 1990 तक फ्लायर और ब्रोशर जैसे सबसे आसान फिटिंग टास्क को अब पर्सनल कंप्यूटर पर बनाया जाने लगा था और फिर लेजर प्रिंटर को प्रिंट किए जाने के लिए प्रयोग किया गया था। 1990 के दशक और 2000 के दशक के दौरान इंटरनेट ईमेल में तेजी से बढ़ने से इंटरनेट ईमेल तेजी से बढ़ने से डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने के साधनों के रूप में प्रिंटिंग की आवश्यकता को काफी हद तक विस्थापित कर दिया गया था। 2010 के आसपास 3D प्रिंटिंग अधिक इंटरनेट का एक क्षेत्र बन गया था, जिससे 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना क्या हो गया? इजी हो गया, आसान हो गया। देखिए, प्रिंटिंग आविष्कार के बाद कंप्यूटर प्रिंटर में विभिन्न टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई। व्यापक रूप से प्रिंटर को इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के रूप में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। ये मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रिंटर बता रहा हूँ। दो प्रकार के जो प्रिंटर को डिवाइड किया गया, पहला इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये फिजिकली प्रिंट हेड को
ये फिजिकली प्रिंट हेड को इंक रिबन पर प्रेस कर टेस्ट या इमेज बनाते हैं। मीन्स एक रिबन होती है इंपैक्ट प्रिंटर में, अन्य प्रकार के प्रिंटर की तुलना में काफ़ी शोर करते हैं। ये अपने यूनिक फीचर्स के लिए प्रसिद्ध होते हैं, आमतौर पर उन व्यवसायों में उपयोग किए जाते हैं जहां मल्टी पार्ट प्रिंट होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेसीबिल प्रिंटर। कौन कौन से डेसीबिल प्रिंटर? डेसीबिल प्रिंटर केवल करेक्टर और सिंबल को प्रिंट करते हैं। एक आपकी डेसीबिल जो करेक्टर प्रिंट करना हो, मैं टाइप करता हूँ, प्रिंट होता है, और ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते हैं। कौन से? डेसीबिल प्रिंटर। ये प्रति सेकंड 10 से 75 करेक्टर को प्रिंट स्पीड के साथ आमतौर पर क्या होते हैं, स्लो होते हैं। 1980 तक जो था तक लेजी डील प्रिंटर के लिए प्रमुख प्रिंटर माने जाते थे, लेकिन लेजर और इंकजेट प्रिंटर की कीमतों की गिरावट आई और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी में क्या हुआ, सुधार हुआ, जिससे आपके डेजी डील प्रिंटर अब प्रचलित में नहीं है। अब आप कहीं भी देखिए, बहुत कम आपको एक दो मिल जाएंगे जिसको आप पुराने रखे होंगे। डेजी बिल प्रिंटर का काम टाइपराइटर, जिसे आप टाइपराइटर आप देखिए उसी की तरह वो दिखता था, एक सर्कुलर प्रिंटिंग एलिमेंट। इन प्रिंटर को हार्ट का हार्ट है, जिससे सर्कल के प्रत्येक पंख पर सभी टेक्स्ट न्यूमेरिकल करेक्टर और सिंबल वो होते हैं। प्रिंटिंग एलिमेंट एक सर्वो मोटर की मदद से तेजी से घूमता है और प्रिंटिंग हैमर कागज पर करेक्टर क्या करता है, स्ट्राइक करता है। एडवांटेज क्या है इसमें? कम आराम, रिक्यूजिंग कॉस्ट, कम रनिंग कॉस्ट, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, गर्म और धूप की परिस्थिति में इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या था? ये कम रिजोल्यूशन आउटपुट देता था, शोर करता था, रिबन के अक्सर क्या वो चेंज करना पड़ता था। इसके बाद दूसरा है इसमें इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड पेज पर मूव होता था, करेक्टर या ग्राफिक्स पिन के ग्रुप का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये पिन एक डॉट बनाने के लिए पेपर का पर एक इंक रिबन पर पेपर को प्रेस करते हैं। प्रत्येक करेक्टर और इमेज डॉट की श्रृंखला से बनते हैं। ये प्रिंट आमतौर पर सस्ते और टिकाऊ होते हैं, जो प्रिंटर होता है सस्ते और टिकाऊ होते हैं, इसलिए इन्हें अभी भी बिजनेस द्वारा चालान प्रिंट के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं। लेकिन आप प्रिंटिंग के समय ये भी काफ़ी नॉइज उत्पन्न करते हैं, मीन शोर करते हैं, और आउटपुट क्वालिटी काफ़ी बाकी सभी टाइप प्रिंटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। देखिए एडवांटेज इसमें क्या है उसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वास्तव में कम महंगे होते हैं, क्योंकि इतने सस्ते होते हैं, इनको खरीदना और उपयोग करना आसान होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो मेंटेनेंस है उसकी लागत में क्या होती है, कम लगता है वो, और जो उसकी प्रिंटिंग की लागत भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसके बाद लाइन प्रिंटर, थर्ड कौन सा है, लाइन प्रिंटर। ये क्या होता है, ये एक डेजी बिल प्रिंटर के समान ही होता है, हालांकि ये प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन पर प्रिंट कर सकता है। यह प्रिंटर किए जाने वाले लाइन को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बफर मेमोरी का उपयोग करते हैं, फिर इन लाइनों को 500 से 3000 लाइन प्रति मिनट की रेट से पेपर पर प्रिंट किया जा सकता है। ये प्रिंट करते समय बहुत शोर करते हैं जो आपकी होती है। लाइन प्रिंटर को कभी भी डेटा सेंटर और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में व्यापक रूप से उपयोग या आपके किए जाते हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म को बहुत तेजी से प्रिंट कर सकते हैं ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है ड्रम प्रिंटर, आपने सुना होगा ड्रम प्रिंटर। देखिए ड्रम प्रिंटर एक सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, इसके सरफेस पर बैंड में करेक्टर उभरे उठाए हुए होते हैं। ड्रम में प्रिंट पोजीशन की संख्या पेज पर उपलब्ध संख्या के क्या होता है, बराबर होते हैं। यह संख्या 880 से लेकर 132 प्रिंट पोजीशन तक हो सकते हैं।
ड्रम कास्ट स्पीड से घूमता है। प्रत्येक संभावित प्रिंट पोजीशन के लिए कागज के पीछे एक स्टिक प्रिंट हैमर होता है। यह हैमर ड्रम पर उचित करेक्टर के साथ इंक रिबन के साथ पेपर पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है। प्रत्येक लाइन को प्रिंट करने के लिए ड्रम में एक क्या होता है, राउंड की आवश्यकता होती है। मतलब लाइन के सभी करेक्टर एक ही समय में प्रिंट नहीं हो सकते, लेकिन पूरी लाइन को प्रिंट करने के लिए लगने वाला समय उन्हें प्रिंट करने के लिए पर्याप्त स्पीड इसमें होती है। लाइन प्रिंटर की विशिष्ट स्पीड प्रति मिनट 300 से लेकर 2000 तक लाइन तक हो सकती है। पांचवा इसी में आपके इंक प्रिंटर में है चैन प्रिंटर। देखिए एक चैन प्रिंटर दो पुलिस के चारों ओर लिपटे प्रिंट करेक्टर की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। ड्रम प्रिंटर की तरह प्रत्येक प्रिंट पोजीशन के लिए एक हैमर लगा होता है। प्रिंटर के अंदर सर्किट लगा पत्र पत्र लगाता है और पेज पर इच्छित प्रिंट लोकेशन को सही करेक्टर दिखाई देता है। हैमर जब पेज पर स्ट्राइक करता है तो रिबन के माध्यम से पेपर प्रेस होता है और जिससे हमारा प्रिंट पोजीशन में करेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। जो आपकी चैन है वो आपकी क्या होती है, रोटेट होती रहती है। जब इस लाइन पर सभी आवश्यक प्रिंट पोजीशन नहीं आ जाती, इसकी स्पीड 400 से लेकर 2500 प्रिंट करेक्टर तक होती है। ये तो हुआ गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इन प्रिंटर्स में कागज पर फिजिकली स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेस्ट या इमेज प्रिंट किया करता है, प्रोड्यूस करता है और अनटाइप प्रिंटर की अपेक्षा यहाँ पे क्या हो कम शोर उत्पन्न करते हैं। इसमें शोर ना के बराबर होता है। आमतौर पर यह टेक्नोलॉजी मॉडर्न और पर्सनल होम बेस उपयोग में उपयोग की जाती है। यह टेक्नोलॉजी मोनोक्रोम और कलर दोनों प्रिंट कर सकते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर घर और छोटे पैमाने पर ऑफिस में सभी अधिकतर लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इसके पास उचित लागत और प्रिंटर की अच्छी इसमें क्वालिटी मिलती है। इंकजेट प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के माध्यम से छोटे नजल से इंक को क्या करता है, स्प्रे करता है। इसमें इंक भरी जाती है जो चार्ड इंक पार्टिकल्स को करेक्टर के रूप में क्या अरेंज करता है। इनकी स्पीड आमतौर पर 250 करेक्टर पर सेकंड होती है। स्याही कागज पर और सोख ली जाती है और क्या हो तुरंत ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। स्याही के विभिन्न रंग इस्तेमाल भी इसमें किए जा सकते हैं। हेड प्रिंटर आपका जो है एक या अधिक नोजल इंक ग्राफिक स्थिति धारा उत्सर्जित करती है, ठीक है। इंक किट डायरेक्ट नाले से निकलने के बाद इलेक्ट्रिकली चार्ज किए जाते हैं। इंक ग्राफिक को पेपर पर इलेक्ट्रिकली चार्ज डिप्लेटिंग प्लेटो गाइड द्वारा किया जाता है। अब ये एडवांटेज क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कम शोर पैदा करते हैं और गैर विषैले मनस्क तेलों से आपके बने होते हैं, ओके। इसी में आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर। कौन सा, लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर एक फोटो कॉपी मशीन की तरह ही काम करती है। जैसे फोटो कॉपी मशीन होती है उस प्रकार से होता है। लेजर प्रिंटर एक मिरर पर एक लेजर बीम डायरेक्ट करके पेपर को इमेज प्रोड्यूस करता है जो बीम को ड्रम पर बाउंस करता है। ड्रम पर एक विशेष कोटिंग होती है जिससे टोनर या इंक पाउडर उसमें चिपकी रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, टोनर का प्रयोग करते हैं। छोटे डॉट के पैटर्न का उपयोग करके न्यूट्रलाइज होने के लिए लेजर बीम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन की परवीन चार टन तक पहुंचता है। डन के सभी एरियाज को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब देखिए जो आपका
इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर से कास्ट इफेक्टिव होता है। इसमें प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है, हाई प्रिंट स्पीड होती है, इसमें हाइपर पेपर कैपेसिटी होती है। इसमें अक्सर एक पेपर ट्रे पोजिशन ट्रे के साथ असेंबल होते हैं। नॉन प्रिंटर में आपका थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? ये प्रिंटर आमतौर पर बिजनेस या दुकानों में उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से यह एक विशेष प्रकार के हीट सेंसिटिव कागज का उपयोग करता है। गर्मी उत्पन्न होती है और जो गर्मी संवेदनशील कागज के साथ प्रतिक्रिया करती है। थर्मल प्रिंट हेड की मदद से इमेज को शीट पर क्या करता है? ट्रांसफर करता है। नई मशीनों में एक वैक्सिंग मटेरियल के साथ रिबन प्रिंटर कार्टेज स्टोर किया जाता है। इसी नेक्स्ट है आपका एलसीडी या एलईडी प्रिंटर। ये प्रिंटर लेजर प्रिंटर के समान काम करते हैं, हालांकि ये प्रिंटिंग की तरह के लिए तरल क्रिस्टल या लाइट उसे जो आपको डायोड का उपयोग करते हैं। ये जेरोग्राफिक प्रिंटर प्रोसेस का उपयोग करते हैं। कई बार इन्हें लेजर प्रिंटर के समान श्रेणी में इनको रखा जाता है। फिर भी ये इलेक्ट्रो स्टेट की इमेज को फोटो इफेक्ट से ट्रांसफर करने के लिए लेजर प्रिंट की तरह लेजर बीम का उपयोग ये लोग ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। आपने सुना होगा प्लॉटर प्रिंटर। ये प्रिंटर बड़े पैमाने पर ड्राइंग को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग या आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर ये क्या होता है? ये प्रिंटर का टास्क लेकिन बहुत ये आपका इंपॉर्टेंट प्रिंटर होता है, जिन्हें ऑल इन वन प्रिंटर भी कहा जाता है। हम इस प्रिंटर को सब कैटेगरी के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों मल्टी फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन हाल में ही इन प्रिंटरों की हाई डिमांड के कारण ये एक अलग कैटेगरी में इनको रखा जाता है। जब मल्टी फंक्शनल प्रिंटर सबसे पहले मार्केट में आया तब वो क्या था? बहुत ही कॉस्टली थी, लेकिन हाल अब समझ आ गया। हाल में ये हम इन्हें 10,000 रुपये में भी के आसपास आपको बाजार में ये मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेसिक सस्ता मॉडल इंकजेट प्रिंटर ये आपका होता है। देखिए मल्टी फंक्शनल लेजर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें प्रिंटर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वे ऑफिस में दो डिवाइसेस की जगह पर प्रिंट स्कैन और फैक्स एक ही डिवाइस पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिक टास्क को करते हैं। इनकी साइजिंग क्या होती है? काफी बड़ी होती है। इस प्रकार से हमने आज आपको प्रिंटर के बारे में बताया। इसको आप अगली क्लास की प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा।